आज मैं आपको बताने वाली हूँ शिरडी साई बाबा के बारे में। यह साल 1918 की बात है। मुंबई को तब बंबई कहा जाता था और यहाँ के एक मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था SS देवरे। कई मशहूर शख्सियतों की तस्वीर खींच चुके देवरे उस दिन अपना लेंस एडजस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके सामने बैठा था एक फकीर जीते जी ईश्वर का दर्जा पा चुका था, जिसे देखने पूरे हिंदुस्तान के लोग उस जमाने में भी आते थे। देवरे ने उस दिन जो तस्वीर खींची हजारों लाखों घरों में आज भी वह तस्वीर टंगी रहती है। यह तस्वीर है शिरडी के साई बाबा की। क्या थी कहानी साई बाबा की, वह कौन थे, जानेंगे आज इस एपिसोड में। तारिक शिरडी यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ने वाला एक छोटा सा गांव हुआ करता था, आज बहुत बड़ा हो गया है। आज पूरे भारत में साई बाबा के नाम से इसे जाना जाता है। शिरडी को हालांकि शिरडी साई बाबा मूल रूप से शिरडी के नहीं थे, उनके नाम में शिरडी जुड़ गया, लेकिन साई बाबा मूल रूप से शिरडी के नहीं थे। साई बाबा का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ इसके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। सब कही या सुनी बातों के आधार पर ही कहा जाता है, बताया जाता है, दावा किया जाता है। एंटोनियो रिगोप्लस अपनी किताब द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ साई बाबा और शिर्ड में बताते हैं कि 18552 में वह वापस शिर्ड आए। इस समय तक भी साई बाबा का असली नाम कोई नहीं जानता था। माना जाता है कि एक स्थानीय मंदिर में पुजारी ने उन्हें ये नाम दिया और धीरे धीरे वे साई बाबा के नाम से मशहूर हो गए। 18582 के उनके दर्शन के लिए आने लगे। जैसे पहले बताया, साई बाबा असल में कौन थे, कहां से थे, ठीक ठीक बताना मुश्किल है। यह अच्छी बात है कि साई बाबा की कुछ दुर्लभ तस्वीरें आज भी उपलब्ध हैं। यह सब तस्वीरें 1900 से 1918 के बीच खींची गई। इन तस्वीरों के जरिए हम कुछ हद तक साई बाबा का प्रामाणिक इतिहास जान पाते हैं। आइए एक एक करके इन तस्वीरों की कहानी जानते हैं। पहली तस्वीर जिसमें साई बाबा भिक्षा मांगते दिखाई देते हैं, तस्वीर शिरडी के दो घरों के बीच से खींची गई थी। यह दोनों घर सखाराम पाटिल शैल के और वनाराम गडकर के थे। साई बाबा के बारे में बताया जाता है कि वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। उनके पास एक झोली होती थी जिसमें वह चावल और दाल जमा करते थे। इसके अलावा एक टीन का बर्तन उनके पास होता था जिसमें वह लिक्विड चीज़ें जैसे दूध दही वगैरह रखते थे। दूसरी तस्वीर है साल 1903 की। इसे पुणे के एक फोटोग्राफर काशीनाथ गोड़े ने खींचा था। इस तस्वीर में वह धूनी माई के सामने बैठे हैं। धूनी माई एक पवित्र स्थान था। 1903 में खींची गई एक और तस्वीर में साई बाबा अपने अनुयायियों के साथ दिखे हैं। इस तस्वीर को खींचा था अहमदनगर के पपाल फोटो स्टूडियो के एक फोटोग्राफर ने। ये चौथी तस्वीर है। इसमें साई बाबा दीवार से टेक लगाए खड़े हैं। ये साल 1906 की तस्वीर है और ये तस्वीर काशीनाथ गोड़े ने खींची। इसमें साई बाबा अपने दो प्रमुख भक्तों के साथ खड़े हैं। नाना साहेब निमोन करर उनके दाई ओर हैं और गोपाल राव मुकुंद राव बूटी उनके बाई ओर हैं। यह तस्वीर शिरडी में लेंडी बाग नाम की जगह की ओर जाते हुए खींची गई थी। लेंडी बाग एक उद्यान है जहां बताया जाता है कि साई बाबा हर रोज दो बार ध्यान करने जाते थे। अगली तस्वीर पर आइए। इसमें साई बाबा द्वारका माई के सामने बैठे नजर आए। द्वारका माई एक मस्जिद थी जहां साई बाबा रहा करते थे। इस तस्वीर के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये तस्वीर साई बाबा के एक भक्त वसुदेव सदाशिव जोशी ने खींची थी। कहते हैं कि जोशी अपने दोस्त चिंदबर राव को उन्होंने 10 रुपए दिए थे और कहा था कि वह ये पैसे साई बाबा को दक्षिणा के रूप में दें और उनकी एक तस्वीर खींच लें। आए चिंदबर राव द्वारका गए, दक्षिणा तो दे दी लेकिन तस्वीर खींचने की वे हिम्मत नहीं जुटा पाए। कहानी कहती है कि साई बाबा ने चिंदबर राव के मन की बात को जान लिया। उन्होंने खुद ही राव से कहा कि वह उनकी तस्वीर खींच सकते हैं, बशर्ते वो इसका इस्तेमाल बिजनेस के लिए ना करें। अगली तस्वीर पर आइए। ये साई बाबा के आखिरी दिनों की तस्वीर 1915 में खींची गई। इस तस्वीर में साई बाबा अपने सबसे करीबी भक्तों के साथ दिखाई देते हैं। यह तस्वीर द्वारका माई मस्जिद की सीढ़ियों पर ली गई थी। इस तस्वीर में साई बाबा के साथ दिखाई दे रहे हैं अब्दुल तात्या कोटे पाटिल और ये तीनों साई बाबा के सबसे वफादार और करीबी अनुयायी थे।
अब्दुल और पाटिल दोनों ही गरीब परिवारों से थे। उन्हें बचपन में ही साईं बाबा की देख रेख के लिए दे दिया गया था। दोनों ने पूरा जीवन साईं बाबा की सेवा में बिताया। ननावली के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती मैं, लेकिन लोग उन्हें साईं बाबा के भक्तों की सेना का जनरल मानते थे। एक तरह से लीडर साईं बाबा के जीवन की कहानी का प्रामाणिक सोर्स मिलना कठिन है। शिरडी के साईं बाबा के शुरुआती जीवन के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उनके अंतिम समय का ठीक ठाक लेखा जोखा मिलता है। साल 1918 था, अक्टूबर का महीना था। साईं बाबा की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। उन्होंने खाना पीना कम कर दिया। अक्टूबर महीने के शुरुआती दिनों में ही उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वह जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे। इसके बाद 15 अक्टूबर को साईं बाबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मृत्यु के बाद उनके शरीर को बूटीवाड़ा में दफनाया गया, जो आज समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। साईं बाबा की कहानी हालांकि खत्म नहीं होती है। उनके मृत्यु के बाद उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। आज उनके मंदिर देश विदेश में बने हुए हैं। इन मंदिर में जो मूर्ति लगाई जाती है वह 1918 की उस तस्वीर के आधार पर बनी है जिसकी कहानी हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी। साईं बाबा की पहली मूर्ति 1952 में बनी, जिसे मशहूर मूर्तिकार बालाजी वसंत जी तालिम ने बनाया था। इस मूर्ति को शिरडी स्थित समाधि मंदिर में स्थापित किया गया। बाद में जितने मंदिर बनाए गए उनमें भी इसी मूर्ति की एक तरह से इसी से प्रेरणा लेकर उन मूर्तियों को बनाया गया। साईं बाबा से पहले शिरडी एक अनजान छोटा सा गांव हुआ करता था, लेकिन आज यहां एक एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है और कई आलीशान होटल हैं। हर साल लाखों लोग यहां पर आते हैं और एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि सबसे ज़्यादा चढ़ावे वाले धार्मिक स्थलों में शिरडी तीसरे नंबर पर आता है। इसके ऊपर तिरुपति बालाजी और पडाना स्वामी मंदिर है। इसके अलावा भी जैसे पहले बताया, देश विदेश में श्री साईं बाबा के कई मंदिर हैं। यह सब शुरू हुआ था एक तस्वीर से जो 1918 में खींची गई थी और जो आज करोड़ों घरों में टंगी हुई है। एक तस्वीर जिसने साईं बाबा का नाम पूरी दुनिया में फैलाया।